हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हो टेक्निकल डीएमडी। दोस्तों, जब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है तब से बहुत सारे लोगों ने सिग्नल एप्लीकेशन और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों, यहां पर टेलीग्राम की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट निकल के सामने आया था। टेलीग्राम ने यह कहा था, अगर आप व्हाट्सएप को छोड़ना चाहे तो, और व्हाट्सएप पर आपकी चैट का बैकअप पड़ा हुआ है या पर आप लोग व्हाट्सएप की जो भी आपकी चैट है उसका बैकअप लेना चाहे तो आप लोग पूरे बैकअप को टेलीग्राम में इम्पोर्ट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप का जो भी चैट है, जो भी डेटा है, उसको किस तरीके से टेलीग्राम में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप लोग भी व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम में जाना चाहे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग जिसकी चैट को टेलीग्राम पर एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर ले जाना चाहते हो, आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ऊपर की साइड में तीन डॉट देखने को मिल जाएंगी, आपको इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग तीन डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग को मोर के ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्सपोर्ट चैट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोग जो मीडिया फाइल्स है उनको भी एक्सपोर्ट करना चाहे तो, या फिर विदाउट मीडिया यानी आपके जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप लोग को विदाउट मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग करना चाहे तो आप लोग को इंक्लूड मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं जो भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, या फिर जो भी चैटिंग है, वो सारी ही टेलीग्राम पर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो सिंपली से इंक्लूड मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोग के सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को यहां पर टेलीग्राम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पर क्लिक करोगे, यहां पर दोस्तों आप लोग पहुंच जाओगे। यहां पर जैसे ही पहुंच जाओगे, आप लोग को यहां पर उस पर्सन को सर्च कर लेना है जिसकी दोस्तों आप लोग यहां पर चैट एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों के सामने आ गया है ये पर्सन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, यहां पर आप लोग को इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग इम्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो चैट है वो जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने ही यहां पर टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा कम होगी वो आ जाएगी। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो जो चैट है वो इंपोर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आप लोग को उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग यहां पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो यहां पर जो भी हमारी चैट थी वो पूरी चैट यहां पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। जो हमने मैसेज भेजे हैं वो हमारी तरफ से आ चुके हैं, और जो उसकी तरफ से मैसेज आए थे वो भी यहां पर आ चुके हैं। तो जो भी फोटोज या फिर वीडियोज थे वो सब कुछ यहां पर एक्सपोर्ट हो चुके हैं। मैं आप लोग एक बार बैक करके भी दिखा देता हूं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो व्हाट्सएप पर अभी हमने रिसेंटली उसे क्वेश्चन मार्क सेंड किया था, तो आप लोग देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, उसके बाद डॉट 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 सेंड किया था, तो सारी चीजें यहां पर एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग व्हाट्सएप पर की जो चैट है वो किसी की भी टेलीग्राम पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से आप लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम पर जा सकते हो, और वहां पर आपकी जो भी व्हाट्सएप चैट है, जो भी आपका डेटा है, आप लोग पूरे तरीके से उसे टेलीग्राम पर इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिससे वो लोग भी इस तरीके को सीख कर व्हाट्सएप की चैट को टेलीग्राम पर इंपोर्ट कर पाए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूं।